हेलो एवरीवन, बॉलीवुड मैटनीवल में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट फिल्मी सिकंदर। दोस्तों, विरूपक्षा, जी हाँ दोस्तों, तेलुगु में ब्लॉकबस्टर होने के बाद फाइनली इसका हिंदी वर्जन रिलीज हो गई है दोस्तों, और मैं मौजूद हूँ सिनेमा का मंदिर गेटी गैलेक्सी में। तो चलिए दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं टॉम और जेरी। जी हाँ दोस्तों, आज बहुत दिनों के बाद टॉम एंड जेरी भाई दिख रहे हैं आपको, क्योंकि आपको पता ही है कि साथ में दिख रहे हैं पहली बार आप दोनों। ये अलग बिजी रहते हैं, ये अलग बिजी रहते हैं। तो चलिए, आप दोनों ने देखा विरूपक्षा, वो भी हिंदी वर्जन में। तो चलिए, आप दोनों से जानने की कोशिश करेंगे कि आपको किस खास तरीके से पसंद आई विरूपक्षा। यस, तो हमने देखी आज विरूपक्षा, जो मतलब हम लोग, मैंने तो कल केरला स्टोरी देखी थी, तो आज विरूपक्षा देखा। हालांकि बहुत कमेंट्स भी आ रहे थे इसकी पिक्चर देखो, मैं भी बहुत वेट था पिक्चर को देखने, इसका ट्रेलर इतना एक्साइटेड था मैं देख के, पर 21 अप्रैल को पोस्टपोन निकल, हिंदी में निकल, पर अच्छा कि अभी निकाला। तो मैंने आज देखा जस्ट, और जस्ट निकल के बाहर मैं रिव्यू मार रहा हूँ, मैं बोला कि मेरा एकदम माइंड ही हट गया पिक्चर देखे एकदम। बोले तो यार, मैंने इतनी खतरनाक हॉरर पिक्चर कोई भी नहीं देखी, विक्रम भट्ट भी ऐसा नहीं बना सकता जो ये बनी है पिक्चर। सीरियसली बोल रहा हूँ, जिस तरह से प्रेजेंटेशन किया है पिक्चर का, पहले तो मैं साउंड की बात करूँगा, और जस्ट जैसा साउंड इन लोगों ने निकाला है ना एक एक पिक्चर, ऐसे एक एक सीन में, उधर ही हम लोग को मतलब एकदम फट जाती है। और पहली बात तो पिक्चर में नायर का शो कोई अकेला देख ही नहीं सकता, और बाजू का सीट खाली रहेगा ना, फड़ी जाएगी बाजू में को आके बैठा तो नहीं, वैसा फीलिंग हो रहा था यहाँ पे। स्टोरी लाइन की बात करूँ, वही एक गांव की स्टोरी है, गांव के अंदर एक आत्मा का ऐसा साया रहता है, वो सब के ऊपर बनाया है, बट अच्छी तरह से बनाया है। ऐसा एक भी सीन आपका ऐसा है कि आप बोर हो गए और कैसे लग रहा है कि कुछ ओवर ही बना दिया, कुछ नहीं, परफेक्ट सस्पेंस पे सस्पेंस, थ्रिलर पे, आप हर एक सीन पे ऐसा वेट करोगे कि आगे क्या होएगा, आगे क्या होएगा। और फर्स्ट हाफ की बात करता हूँ मैं, फर्स्ट हाफ में ऐसा है कि थोड़ा लव स्टोरी एंगल बताते हैं हीरो हीरोइन के बीच में, फिर बाद में स्टोरी जब चालू होती है, वो स्टोरी जब वो चालू होती है हॉरर की, वहाँ से तो आपका माइंड ही नहीं हटेगा। इंटरवल आया, इंटरवल के टाइम पे मैं और मेरे फ्रेंड्स लोग गए, हम लोग आज देखने के लिए उठ के गए बाहर, तो देख रहे थे तो ऑडियंस सीट पर बैठी है, पब्लिक है थिएटर में अच्छी खासी भरी हुई है, 50% ऑक्यूपेंस में 30-35 लोग तो आए हैं देखने के लिए, बट ऑडियंस थिएटर सीट पे से इतने लेके वो लोग ऐसा बैठे हैं माइंड में, ऐसा कोई हाथ रख के बोले क्या देख लिया यार, क्या देख लिया, शौक लग गया। फिर इंटरवल के बाद जब स्टोरी चालू होती है, स्टोरी तो अचानक से ऐसा चालू होती है कि हीरोइन ऐसा धार करके, कि हीरोइन के आंग में रहती है आत्मा, तो जिससे जो उठती उधर ही पड़ जाती है, मेरे हाथ से पेप्सी का बॉटल छूट गया, ऐसा वो सीन आया अचानक से। तो मतलब एक एक सीन, और सेकेंड हाफ तो यार आपका माइंड ही हिला देगा, आप एकदम मतलब बोले तो यार आगे क्या होने वाला है, अरे क्या मना रहे, क्या है मतलब, क्या सीन है, क्या मतलब, एक तो एकदम अंधेरा अंधेरा गांव भी पूरा अंधेरा अंधेरा, मतलब ऐसा लग रहा है कि डायरेक्टर ने एक लाइट सीन नहीं लगाया, सिर्फ आग में ही शूटिंग की है, बस बंदे लोग बोले तुम आग पकड़ो, कैमरा एंगल में पकड़ता हूँ, बस उस पर बनाया। पर एक पॉइंट में बोलो, मैंने टुम्बर पिक्चर भी देखा था थिएटर में, जो 2018 में या 17 में आई थी कुछ, हाँ 17-18 में आई थी, मैं बोलूँ उसके बाद मेरे को आज इतनी खतरनाक हॉरर फीलिंग आ जाइए पिक्चर में। टुम्बर भी था अच्छा खासा हॉरर, पर उसका बाप विरूपक्ष, क्या स्टोरी लाइन है, क्या हॉरर सीन है, मेरे को मैं तो बोला मैं बहुत टाइम से कोई हॉरर पिक्चर का वेट कर, मैं हमेशा बोलता हूँ मेरे को हॉरर पिक्चर बहुत मजा आते देखने, और बहुत वेट कर रहा, आज जाके मेरे को कोई मिला है देखने को हॉरर पिक्चर, सच में इतना अच्छा लगा, इतना मजा आया, इतना मतलब थ्रिलर लगा, बोले कि नाइट शो दिखता है ना, मजा आता था और देखने के लिए, मैं दिन में आया देखने को, मेरे को नाइट शो देखना था बस, तो मैं घर अरे काम बहुत अच्छा है, एक एक जन का जो इतना लोग है ना, हीरो हो मतलब साई धर्म तेज हो या फिर हीरोइन हो, उनका काम भी मतलब वो जिस तरह से परफॉर्मेंस दे रही है, मतलब एक डायन का अरे क्या रोल किया यार उसने, फुल मजा आया। और एंड में तो सस्पेंस हो रहा है सेकेंड पार्ट का, मतलब बहुत ही ज़्यादा वेट कर रही सेकेंड पार्ट भी आ जाए, कि जिस तरह से अभी ऐसे ऐसे पिक्चर देखते हैं ना साउथ, जैसे कांतारा हो गई और कार्तिकया हो गया वैसा, तो इसका जब वो लोग निकालते हैं कि इसका और एक पार्ट बनने वाला है, तो इसमें एक्साइटेड ज़्यादा बढ़ता है, और ये पिक्चर ने भी वही फीलिंग दिला है कि इसका भी आना चाहिए, और बहुत मज़ेदार लगा है, एक नंबर लगा है पिक्चर सच में। जिन्होंने पिक्चर अभी तक नहीं देखा है, जो लोग हॉरर पिक्चर का सबसे ज़्यादा वेट करते हैं ना, एक लगी है थिएटर में जाओ विरूपक्षा, मज़ा आएगा, बोलोगे आपके फट नहीं गएंगे ना, आप बाथरूम में भी अकेला नहीं जा सकते, वैसी पिक्चर बनी है सच में सीरियसली। और एक एक काम, जो लोग हर साउथ के विलन का काम करते हैं ना, जो हीरो के मार खाते, वो लोग बाबा बने पिक्चर में, उन लोगों का परफॉर्मेंस भी अच्छा है, इतना अच्छे से प्रेजेंट किया, ऐसा लग रहा है कि 10 दिन आए नहीं रहे फिर शूटिंग पे आ रहे, वैसा दे रहे उन लोग काम, सीरियसली बोलो, इतना मज़ेदार, इतना हॉरर थ्रिलर पिक्चर मैंने नहीं देगा, मेरे को हॉरर पिक्चर मज़ा आता है, मेरे को मज़ा है, मैं वापस से और एक बार देखूंगा पिक्चर, अभी टाइम नहीं है, पर नेक्स्ट वीक पक्का देखूंगा सीरियसली। ओके जय भाई, अब लगी है विरूपक्षा, जो गेटी गैलेक्सी सिनेमा के मंदिर है, जो बोल सकते हैं टॉलीवुड से विरूपक्षा है, बट बॉलीवुड के लेवल का महेश भट्ट को टक्कर दिया, क्योंकि ऐसा हॉरर थ्रिलर बनाया है ना, क्या बोलूँ, मतलब स्पीचलेस, आवाज़ ही नहीं निकल रही है, क्योंकि इसमें कई कई सीन ऐसे हैं ना जहाँ पे फटके ना हाथ में आ गए,
माँ कसम बोलो अगर रात को देखेंगे ना चड्डी में मुद्दोगे ऐसा ऐसा एक मैं लिटरली मैं दो तीन सीन में मेरी फटके हाथ में, एक ट्रेन वाला सीन और इसमें और एक जो थोड़े बहुत भयंकर सीन है जो एकदम अचानक से ना एकदम ऐसा लग रहा है कि आप साला किसी को जुलाब भी हो गया रहेगा ना वो भी रुका नहीं पाएगा साला वो भी कर देगा चट्टी में ऐसा सीन इतना भयंकर सीन बनाया इसमें हमारे स्टार में है मतलब कास्ट में है साई धर्मराज तेजा फिर उनके साथ एक्ट्रेस है उनका नाम नहीं पता आई थिंक सो ऐसे नाम है बट याद नहीं है उसके साथ साथ सुनील दिखे जो सेम मतलब जैसा जिस तरीके से पुष्पा में देखना चाहिए था वैसे ही दिखे मतलब थोड़ा गेटअप चेंज हुआ बट कहीं ना कहीं थोड़ा ऐसा लग रहा है वही रोल में दिखे उनका रोल ऐसा फील हुआ कि विलन तो नहीं है पिक्चर पर विलन कोई और निकलता है स्टोरी कुछ लाइन और वो सीन है फुल एकदम और यही हाल गया साल आई थिंक सो विक्रांत रोना में हुआ था कि सेम स्टोरी वैसे ही लगा बट विलन कोई और निकलता है और सेम हाल इसमें वही हुआ विक्रम वाला फेल है सामने विरूपक्षा अपने लेवल पे विक्रांत रोना नीचे है और सबसे बड़ी बात तो मैं बोलूँ ना हालांकि बहुत अच्छा साउथ में इसको बहुत अच्छा रिस्पांस मिला बहुत बड़ा सुपर हिट हुई है उधर तो और उसके बाद फिर इधर हिंदी डब में निकाला गोल्ड माइन ने प्रोड्यूस किया जो कि बहुत अच्छा काम किया बस एक ही छोटे पर्दे पे लगी है बाकी थिएटर तो कच्चा कच्चे भरा है पब्लिक के ऊपर है पब्लिक अगर बढ़ी तो सीतारामम और कार्तिक के टू बनने के लिए पीछे नहीं हटेगी ये भी बड़े पर्दे पे आराम से आ जाएगी या तो छोटे पर्दे पे अच्छा खासा धमाका कर देगी बाकी केरला स्टोरी क्योंकि इसके साथ केरला स्टोरी आया जो कि इससे भी लागूना बहुत अच्छी है क्योंकि वो रियल इंसिडेंट बेस है और ये है हॉरर ब्लैक मैजिक जो लोग हॉरर पे ज्यादा मजा आता है देखने जो बोलता है बोले कि कोई हॉरर ही नहीं आ रही है बॉलीवुड में कुछ हॉरर नहीं बनी है एक बुलबुलिया 2 बन गई अभी एक पिक्चर बनी है साउथ की जाओ मजा आएगा अगर ये मूवी हिंदी में नहीं आती ना महेश भटूटा मैं लिखे बोल रहा हूँ आप 10 साल के बच्चे को लेके आ गया 5 साल के बच्चा 7 साल के बच्चे को लेके पिक्चर देखने रो देगा आपकी मम्मी को पकड़ के बैठेगा इसी पिक्चर को बोले क्या दिखा रहे लोग वो आग का सीन एक एक परफॉर्मेंस सब लोगों का माइंड ब्लोइंग वीएफएक्स तो कुछ है वीएफएक्स तो नाम का है फिर भी थोड़ा बहुत लिया उन्होंने वीएफएक्स पर ऐसा बना रहा है कि रियल में ऐसा गांव में हो रहा है ऐसा रियल में गांव मतलब ऐसा कई कई गांव में होता रहे छोटे मोटे गांव में तो होता ही है वहाँ पे कुछ ऐसा मंदिर विंदिर है पर फिर भी वहाँ पे भूत आत्मा घूमती रहती है तो उस पर एक स्टोरी बना रहा है पर अच्छे से बना बहुत अच्छा प्रेजेंट किया फड़ गई है पिक्चर देखते सच में स्पीचलेस हो गया पिक्चर देख जैसा गए साल कांतारा में जो हमको बोलता ना खौफ पैदा हुआ था देख के सेम अभी ये साल विरूपक्ष देख के वैसा हमको गूज़बम खौफ पैदा हो गया उस तरीके से जिस तरीके से जो डायरेक्टर है कार्तिक सर जो जिस तरीके से उन्होंने प्रेजेंट किया है ना और सबसे भारी मेन सीन जो मेन जिसमें एक्ट्रेस जो उनका नाम मालूम नहीं है बहुत बढ़िया तरीके से रोल निभाया क्या मजा आ गया उसका रोल देख के हालांकि उन्होंने कुछ डेब्यू किया साउथ की मूवी सर से जिसमें धनुष है और उनकी ये सेकंड मूवी है ये बहुत कम लोगों को मालूम रहेगा साउथ वाले लोगों को तो पक्का मालूम रहेगा ये सेकंड मूवी पिक्चर में ना हीरोइन का भाई है जो एक मतलब भूत बनता है वो देखो उधर ही है कौवा देखो कौवा वो भी देख रहा हम लोग वहां से सबसे पहले नंबर पे पर विरूपक्षा पहले नंबर पे क्लाइमेक्स देख के आपको तुम्बड़ का याद जरूर आएगा कसम से क्योंकि जिस तरीके से बैकग्राउंड जिस तरीके से सेट किया है ना सेम टू सेम वैसा तुम्बड़ में बस डिजाइन अलग किया है हॉरर सीन बट इसमें ज्यादा है ये पिक्चर में आपके फट जाएगी पिक्चर और तुम्बड़ के लेवल का एक्शन है मतलब हॉरर दिखाया है जो टक्कर में हो वही चलिए एंड में जाते जाते अगर रेटिंग देना हो तो 5 से कितना 10 में से 10 दूंगा इतना कड़क हॉरर पिक्चर ना मैंने लाइफ में नहीं देखा मैंने बहुत सारी हॉरर पिक्चर देखी पर ये बाप है हॉरर का सच में बोल रहा हूं क्योंकि स्टार्टिंग सेंट तक इंसान के फाड़ दिए बहुत लोग मतलब ऑडियंस भी बैठी है उन लोग भी शौक हो गए क्या सीन देख रहे हम लोग ऑडियंस बैठ के कुछ बोली नहीं चुपचाप पब्लिक मोबाइल यूज नहीं कुछ नहीं सिर्फ स्क्रीन पे लगी है बस बाहर निकले बस चुपचाप से निकल गए बाहर थिएटर से बस कुछ बोल नहीं सकते ऐसा सीन है बाकी बहुत पसंद आई मूवी मेरे को हालांकि मैंने तेलुगु में देखा नहीं है मैंने बहुत ट्राई किया यहाँ पे तेलुगु में देखने का बट यहाँ पे कैसे सिर्फ हिंदी डब है और साउथ में खाली इसको तेलुगु में रिलीज किया है तो इसको साइड में रख के स्टार्स की रिगार्डेड बोलूँ तो मेरे को बहुत पसंद है 5 भी कम है 10 out of 10 ले लो क्योंकि जितने भी एक्टर्स हैं सब बहुत अच्छे तरीके से काम निभाए और ऐसा है कि दिल पे छू जाना चाहिए एक बार देखो तो बार बार देखने का मन करेगा ऐसा पिक्चर बनाए Thank you so much. Thank you.